आशा जी, आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंगो आइसक्रीम हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हाफ लीटर हमने मिल्क लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये कस्टर्ड पाउडर है, 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर है, और ये शुगर है, 1/2 कप शुगर हमने लिया है, ये वनीला एसेंस है, और ये यहाँ पर देखिए आम की पल्प्स है। आम के पल्प को हमको उसको अच्छी तरीके से छील लिया, उसको काट लिया, इस तरह से देखिए हमने मिक्सर में पीस के इसका पल्प हमने तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप, एकदम स्मूथ सा पल्प ही बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाने। तो सबसे पहले देखिए, हमने इस पर पैन रख दिया, इसमें हम दूध को पहले गर्म करेंगे, इसको अच्छे से बॉयल करेंगे, गाढ़ा करने तक इसको हम बॉयल करेंगे, इसको अच्छे से चला के पहले बॉयल हो जाने देते हैं फुल टेम्परेचर पे करके, फिर इसको धीरे धीरे चला के इसको हमें गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा करने से पहले यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर का एक हल्का सा पेस्ट बना रहे, इसमें कच्चा दूध मिला के इसी में से दूध हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसका हम हल्का सा पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी दूध ठंडा है तो इसको हम इसी में से निकाल ले रहे हैं थोड़ा सा दूध। ये देखिए, अब इसमें इसको इस तरह से घोल लेंगे, इसको लिक्विड फॉर्म में इसी तरह से घोल लेना, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से चला के इसको घोल लेंगे। इस तरह से हमने इसको घोल लिया है। अब पहले दूध को बॉयल हो जाने देते हैं, पहले एक बॉयल होने का वेट करते हैं। देखिए, दूध में उबाल आ गया है, अब हम टेम्परेचर को लो कर देंगे, और लो करके टेम्परेचर को इसमें हम ये कस्टर्ड का जो हमने बनाया है पेस्ट, इसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे। डालने से पहले इसे अच्छे तरीके से चला लेते हैं, इस तरह से इसको चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद दूध बहुत तेज़ी से गाढ़ा होने लगता है, इसलिए इसको हमको बराबर से चलाते रहना है, इसमें कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक हम चलाएँगे, और टेम्परेचर को हम मीडियम टू लो किए रहेंगे। इस तरह से चलाते हुए इसे गाढ़ा करना है, बस 2 से 3 मिनट में इस तरह से चलाते हुए गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल, और हमारा आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनता है इससे। देखिए, इसको हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट हुआ, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए तो बिल्कुल से भी गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इलायची पाउडर है, ये इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आइसक्रीम में, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे हम इलायची पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। अब इसको गैस को हम ऑफ कर देते हैं, इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये थिक हो गया, ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल कस्टर्ड पाउडर हमने जो डाला था इसकी वजह से बिल्कुल ये थिक और क्रीमी हो गया है। ये बहुत ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आइसक्रीम में। तो ये देखिए, इस तरह से हम पहले इसको एक पॉट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कि हमने सब इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें हम ये मैंगो का जो हमने पल्प बनाया था, देखिए ये 1 कप है पूरा, इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे फ्लेवर के लिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम का। इसको डाल के अच्छे तरीके से इसको हम चलाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको चला दिया, और हमारे पास थोड़ा सा देखिए, ये हमने यहाँ पे क्रीम रखा है, ये होममेड क्रीम है, बिल्कुल घर का मलाई जो होता है उसको हमने क्रीम बना के रखा है, मलाई निकाल के इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के और मिक्सर में इसको हमने बना के, ये हमने क्रीम बना के रखा है, इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए, इस तरह से आप स्पैचुला से या फिर स्पून से या विस्क से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर बीटर मशीन यूज़ करेंगे जिससे अच्छे तरीके से सब मिक्स हो जाए। बहुत
साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये अच्छे से मिक्स हो गया और बहुत ही स्मूथ हो गया इसका टेक्सचर। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए बिल्कुल ये फ्रीज करने लायक हो गया है। अब इस तरह से एक कंटेनर में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स हमने लिया है, इसको भी डाल देते हैं इस तरह से। देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लगा के इसको सेट कर दिया। अभी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब इस पर एक सिल्वर फॉइल लगा के इसको ओवरनाइट हम इसको फ्रिज करने के लिए रख देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका तैयार हो गया, आइसक्रीम बन के तैयार होगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, ओवरनाइट के लिए हमने रख दिया था। अब हम इसको खोल के देखते हैं हमारा आइसक्रीम किस तरह से जमा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी क्रीमी इस तरह से हमारा आइसक्रीम है। अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमने सर्व कर दिया है इस तरह से, देख रहे हैं हम पीसेज में भी इसको काट दिए। इसको हम गार्निश कर दिए हैं देखिए बादाम से, काजू से और किशमिश से। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी हमारा ये मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हमने कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया था, इससे इसका कलर और भी अच्छा खिल के आया है। तो आपको हमारा वीडियो किस तरह लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और हमें फीडबैक में बताइए कि आपका ये आइसक्रीम किस तरह से बन के तैयार हुआ। आपका जो कमेंट होता है, आपका फीडबैक होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गिव मी फीडबैक एंड गिव मी थम्सअप। इसी के साथ थैंक यू।